Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method. Assalamu alaikum nazreen, aap sab ka khair makdam hai A18 Telangana News par. Aaj 18 August Wednesday ka din hai, aaye nazreen dekhte hain international aur national ke khas khabrein. मूड ऑफ दी नेशन MoTN ने एक सर्वे मुनाकिद किए इंडिया टुडे के तहत जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट पर आवाम गुस्से का इजहार किए. आवाम का सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए पहले 66% था जिसके बाद गिर के 24% हो चुका है. इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में 35,178 केसेस दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में 440 लोग की मौत वाकई हुई कोविड-19 के सबब. इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन IICF यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद करने के बदले हुकूमत ने जो 5 एकड़ ज़मीन दी है मस्जिद बनाने के लिए धानीपुर गांव में अयोध्या के जल्द ही उस 5 एकड़ ज़मीन पर नवंबर से तामीराती काम का आगाज़ कर दिया जाएगा. न्यूजीलैंड में एक कोविड-19 केस दर्ज होने से नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया गया. न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जुसिंदा आर्डन ने नेशन वाइड लॉकडाउन का ऐलान किया. ट्यूसडे के दिन ऑकलैंड बड़े शहर में एक कोविड-19 केस मिलने पर नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया. ये लॉकडाउन 7 दिन के लिए रहेगा ऑकलैंड में. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम अथॉरिटीज इस केस पर नज़र रखे हुए हैं. इस कोविड-19 केस को डेल्टा वेरियंट समझा जा रहा था, फिलहाल कन्फर्म नहीं है, उसकी जाँच जारी है. US ने कहा कि इंडिया के लिए सफ़र करना महफूज होगा क्योंकि इंडिया में कोविड-19 केसेस कम दर्ज हो रहे हैं. US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन CDC ने साथ ही कहा कि तुर्की कोविड-19 लेवल 4 पर है, यानी तुर्की के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं दिन पे दिन, और वहीं इंडिया लेवल 2 पे है, यानी इंडिया में कोविड-19 केसेस काबू में हैं. 36 घंटों के मिशन के बाद अफगानिस्तान से इंडिया के लोगों को रेस्क्यू किया गया. ट्यूसडे की सुबह तालिबान ने इजाज़त दी जिसके बाद इंडिया के लोगों को रेस्क्यू किया गया. मिशन के तहत दिगर फॉरेन एजेंसीज तालिबान से गुजारिश कर रहे हैं उनके शहरियों को महफूज सफ़र दिया जाए जैसे इंडियन मिशन के लिए दिया गया. सऊदी अरब की हुकूमत ने संडे के दिन ऐलान किया कि पहली मर्तबा सऊदी अरब में डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 की मौजूदगी मिली है. मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर डेल्टा वेरिएंट से महफूज रहना है तो लाजिमी है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस ले. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे के दिन एक खसूसी इजलास में शिरकत किए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS में, जहां अफगानिस्तान के बदलाव पर बातचीत की गई. तफसलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी ऑफिशियल्स को अफगानिस्तान में मौजूद तमाम इंडिया के शहरियों को महफूज तरीके से निकाला जाए और जो भी हिंदू या सिख्स वापस आना चाह रहे हैं इंडिया उन्हें लाया जाए.